यद्यपि होलिका को वरदान था अग्नि नहीं जला पाएगी, लेकिन उसका वरदान फेल हो गया क्योंकि एक वैष्णव एक भक्त को मारने के लिए उसने अपने पावर को यूज किया। इससे भी बहुत बड़ा सिद्धांत मिलता है कि ईश्वर ने यदि हमको कुछ पावर दिया है, पद या पोस्ट दी है, तो इसका इस्तेमाल दूसरों के भले के लिए करना चाहिए, नहीं कि दूसरों को मारने के लिए, दुखी करने के लिए कि परेशान करने के लिए। एक बात याद रहे, यदि ईश्वर ने दिया हुआ पद हम गलत रूप से इस्तेमाल करेंगे तो आज नहीं तो कल वो पावर छीन लिया जाएगा और बहुत बड़े पाप और दंड के भागी हो जाएंगे। इसलिए तो कहते हैं गरल सुधा रिपु करे ही मिटाई। यदि भगवान और भक्तों से द्वेष करेंगे तो अमृत भी विष हो जाएगा, पिता यमराज बन जाएंगे और माँ वैतरणी हो जाएंगे यदि हम भगवान और भक्तों से द्वेष करेंगे।